पजल का समाचार टीवी में आपका स्वागत है। फिरोजपुर के कस्बा गुरु हरसहाय में जबर विरोधी संघर्ष कमेटी के निमंत्रण पर अलग अलग संगठन किसान और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं और वर्करों ने इकट्ठे होकर कस्बा गुरु हरसहाय के गांव में मोटरसाइकिलों पर पीड़ित किसान हाकम चंद के साथ हो रही धक्केशाही के विरोध में मोटरसाइकिल मार्च निकाला। वहीं पीड़ित किसान के साथ हो रही धक्केशाही और जोर जबरदस्ती के विरुद्ध अलग अलग मजदूर और किसान संगठनों ने पीड़ित किसान के हक में उतरते हुए कस्बा गुरु हरसहाय के गांवों में मोटरसाइकिल पर से गुजरते हुए लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि बीते साल अक्टूबर महीने में पूर्व कांग्रेसी सरपंच कश्मीरी लाल ने गांव के बाजी के साथ रहने वाले गरीब किसान हाकिम चंद की जोर जबरदस्ती करके गिराकर उस पर धोखे से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद किसान हाकिम चंद सहित उसके करवाया, उसके बाद उन्हें गुरु हरसहाय के थाने में बंद करवाया, जिसके बाद जबर विरोधी संघर्ष कमेटी ने पीड़ित किसान को थाने से छुड़वा कर उसके साथ हो रही धक्केशाही और इंसाफ के लिए फिरोजपुर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना लगाकर संघर्ष किया और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त कांग्रेसी सरपंच पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित हाकम चंद ने फरीदकोट में इस मामले को लेकर एक केस किया था जो उसके पक्ष में हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन इस मामले में पूर्व कांग्रेसी सरपंच कश्मीर चंद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। बहरहाल पीड़ित किसान की दुकान गिराने और उसकी दुकान को जोर जबरदस्ती के साथ हथियार लेने के मामले में जबर विरोधी संघर्ष का और अलग अलग संगठनों के समूह नेताओं और वर्करों की तरफ से आगामी 28 तारीख को इस मामले को लेकर पीड़ित को इंसाफ दिलवाने के लिए एक विशाल रोष धरना पीड़ित किसान के पक्ष में कस्बा गुरु हरसहाय में किए जाने का ऐलान किया गया है। मेरा नाम जैल सिंह है, मैं क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का आगू हाँ सूबे का। तो यह मसला साढ़े को आया, ये मसला बहुत ही वड्डी धक्केशाही हुई है अपने हाकम चंद जी नाल। इन्हां दी 32 साल पुरानी दुकान सी जो इन्होंने खरीदी हुई सी, रजिस्ट्री इंतकाल इन्हां दे नाम सीगा। तां हाकम चंद अपने कश्मीर चंद ने जो राणे सोढ़ी दा मतलब वर्कर हैगा, तां उन्हें मतलब इहदी दुकान नूं शरेआम 12 अक्टूबर नूं ढाया गया, तां इन्हां नूं थाने फड़ा दिता गया, परिवार की कुटमार की और 15-16 लख दा जिहड़ा समान है वह भी चुक के लै गया। तो उस तो बाद असी जथेबंदियां वालों लगातार मतलब प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। असी 3-4 वारी मतलब प्रोटेस्ट किए पर अजे तक कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया। तो हूँ असी 28 मई नूं प्रोग्राम गुरु हरसहाय रख्या होया है ता कि असी पुलिस प्रशासन जिहड़ा उहदे बोले कन्नां तक जिहड़ी आवाज़ पहुँचा सकीए। राणा सोढ़ी शरेआम जिहड़ा अपने उस कश्मीर लाल की हमायत कर रहा और ये हाकम चंद के विरोध के भुगत रहा है और जथेबंदियां जिहड़ियां किसान मजदूर मुलाजम विद्यार्थी जथेबंदियां इन्होंने जबर विरोधी संघर्ष कमेटी बना के इस मसले को हल कराने का जिहड़ा फैसला लिया और आने वाले समय के असी फैसला किया है कि हाकम चंद नूं जिहड़ा इन्हां दा खुस्या प्लाट है वो दवा के रहांगे। तो 28 मई नूं असी लोगों नूं इस धक्के जबर के खिलाफ जिहड़ी आवाज़ बुलंद करन वास्ते गुरु हरसहाय जिहड़ा प्रोग्राम रख्या हो शामिल होने लई अपील करते हैं। फाजिल्का समाचारों पर हम लोग आपको सुनाते हैं फाजिल्का के ताज़ा समाचार। पर अभी तक अगर आपने हमारा YouTube लिंक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube लिंक पर जाकर उसे क्लिक करें और हमारे ताज़े अपडेट्स पाने के लिए वहां लगा बेल आइकन भी दबाएं ताकि जल्द से जल्द आप तक हम हर पल की खबर पहुंचाते रहें और सुनते रहें आप फाजिल्का न्यूज़।